हेलो एवरीवन, मैं देवज्योति साहा, आपका एडमिशन जॉकी। तो आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे, ये स्टूडेंट्स ने मेरे को बहुत बार कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर मेरे को इस साल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। जैसे जी मेन है, जी मेन में किसी ने स्कोर किया, उसको एक कॉलेज मिल रहा है, या नीट है, नीट में एक कॉलेज मिल रहा है, उसको ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं। उसको जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मेरे को ये चीज़ पूछ रहा था कि सर मेरे को ना टायर टू कॉलेजेस मिल रहे हैं, मेरे को टायर वन के लिए मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। टायर वन मतलब मैं मान लेता हूँ जो गुड IITs हैं, जो कि IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, ऐसे जो IITs हैं। एंड टायर टू में मैं ले लेता हूँ जो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस एंड जो IITs भी आते हैं टायर टू में। एंड टायर थ्री में मैं लेता हूँ जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसको मैं लेता हूँ, राइट? तो कोई स्टूडेंट है टायर टू में, उसको मिल रहा है, उसको टायर वन में जाना चाहिए कि नहीं। टायर थ्री मिल रहा है, मेरे को टायर टू और टायर वन के लिए मेरे को जाना है कि नहीं, इसके लिए मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। और मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मैं फेल हो गया, बट मेरे को क्या ट्राई करना चाहिए कि नहीं? तो इसका जो आंसर है ये आपके अंदर ही छुपा पड़ा है, ये आप ही खुद जानते हो। हमारा जो काम है सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जानना पड़ेगा, एक तो है कि आपका क्या रीजन रहा, आप क्यों फेल करें। बहुत सारे रीजन हो सकता है। जैसे आपको यह लग सकता है कि मैंने जिस कोचिंग में पढ़ाई करा उसमें टीचर्स अच्छे नहीं थे, राइट? सेकेंड वन ये हो सकता है, सर मेरा गर्लफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है, ये भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कारण। सर मैंने फोकस ही नहीं करा, मैंने ट्वेल्थ के लिए फोकस करा, मैंने फोकस ही नहीं करा एंड फोकस कर ही नहीं पाया, इसीलिए भी हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे। मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरा जो सर्कल था वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आपका कौन सा रीजन है, इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड थिंग, आपको क्यों करना चाहिए, क्यों आपको ड्रॉप लेना चाहिए, इसका एक पॉइंट भी आप बना लीजिए कि मैं ये चीज नहीं कर पाया तो मेरे को शायद इस बार ये मैं अगर ड्रॉप ले लूँ एंड और भी अच्छे से मैंने पढ़ाई करा, मेरे अगर अच्छे कोचिंग में गया तो मैं शायद क्रैक कर लूँ, ये भी होना चाहिए। बट बेटा ये दोनों चीज़ दो तरफ है। आपको ये भी सोचना है कि आपको एक बैकअप प्लान रखने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैं प्रेफर करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बोलूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर मैं 2 साल से दे रहा हूँ, मैं 3 साल से दे रहा हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है, बच्चे फिर भी लगे पड़े हैं। बेटा मैं आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अब 2 साल ट्राई कर लिया आपने, 3 साल ट्राई कर लिया, अब दूसरे स्ट्रीम में जाओ, आपको उसी कोर्स करना है, अब दूसरे स्ट्रीम में जाके उसको अचीव करो। कर तो सकते हो ना, तो बैकअप प्लान रखो अपना। आपको अगर ट्राई करना भी है, आप कहीं पर एडमिशन ले लो, ठीक है, नॉर्मल सी कॉलेज में एडमिशन ले लो, प्राइवेट में मिल ही जाएगा, है ना, तैयारी करो। आपको अगर मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपके पास तो बैकअप प्लान है ही है। तो ये चीज है। और मैं ये ट्रेंड बहुत ही देख रहा हूं आजकल ड्रॉप लेने का, बहुत बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं आजकल। बेटा सीट तो सेम है, इतने बच्चे ड्रॉप ले रहे, एवरी ईयर ड्रॉप दे रहे, ड्रॉपर्स के जो तादाद है ना ये बढ़ रहा है, नंबर्स जो है ये इंक्रीज कर रहा है। इसका बहुत सारे रीजन है बेटा, जो कि आपको समझने की जरूरत है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं सच बोलूंगा, इसका फर्स्ट जो कारण है ना, एंड वन एंड ओनली, बहुत बड़ा कारण है, ये है आजकल जो कोचिंग सेंटर्स है, कोचिंग सेंटर जो स्ट्रेटेजी पुट कर रहे हैं मार्केटिंग में, आपको मोटिवेट करे जा रहे कि नहीं ड्रॉप करो, आपका हो सकता है, ड्रॉप करो, आपका हो सकता है, ड्रॉप करो, हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आपको नहीं हो सकता, आपका हो सकता है, बट इसके लिए आप टाइम वेस्ट करोगे, इसके लिए आप 3-4 साल वेट कर लोगे, जो नॉर्मल से आपका लाइफ होना चाहिए था। आप ग्रेजुएशन करते, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते, आप और भी ऊंचे जगह में दूसरे स्ट्रीम में भी तो पहुंच सकते थे। क्या पता आप एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते, बट क्या पता आप बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, आप बहुत अच्छा एक पैरामेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, क्या पता। आपको कुछ भी नहीं पता इस चीज में कि आप क्या बन सकते हो, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो आप ट्राई करो, मैं बोल रहा हूं ट्राई करो, बट इतना भी ज्यादा मत कर दो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि ये सब ना एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। हर एक कोचिंग सेंटर, हर एक
एवरी कोचिंग सेंटर यह चाहेगा कि बच्चा ड्रॉप ले, मेरे पास कोचिंग करे, क्योंकि फर्स्ट ईयर कोचिंग लिया नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर फिर आपको मोटिवेट किया जाएगा, आप करो, फिर से आप लो, फिर से ट्राई करो, फिर से करो। तो ये चीज़ नहीं होता बेटा, तो ये चीज़ आप समझो एंड अपना जो डिसीजन है अपने आप खुद लो। कोई भी गाइड चाहिए आप बताओ कमेंट सेक्शन में, हम बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए ही थैंक यू सो मच।